रवां साल हज सीजन के पेश नज़र मस्जिद हरम में हिफाजती खदमात का देखा जा रहा है बेहतरीन सिस्टम। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए 24 घंटे सैनिटाइजेशन व दिगर सर्विस जारी। फरीज हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से फरजंदान तौहीद की मक्का मुकरमा और मदीना मुनवरा में आमद जारी। अब तक 33,451 आजमीन मदीना पहुंचे, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दे रहे हैं हाजिरी। औरत होती तो यूक्रेन पर हमला ना करते, बोरिस जॉनसन के इस बयान पर आया रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का जवाब। कहा, ब्रिटेन की साबिक खातून पीएम मार्गरेट थेचर ने फॉकलैंड मामले पर अर्जेंटाइन के खिलाफ की थी कार्रवाई, वो भी थी एक खातून। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में दर्जी के सर कलम करने के वाकये के लिए नुपुर शर्मा के बयान को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मुल्क में मौजूदा भड़के जज्बाती माहौल के लिए अकेली यह औरत जिम्मेदार, जाहिर हुई अड़ियल और मगरूर इमेज। अदालत ने नुपुर के वकील से कहा, आपके लीडर ने जिसके खिलाफ शिकायत की उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नुपुर को कोई क्यों नहीं छुपाया। मुल्क में नफरत की हवा फैला रही है बीजेपी, जिसकी वजह से हुआ उदयपुर में बहिमाना कत्ल। कांग्रेस तर्जुमान अलका लांबा का बयान। कहा, संघ और भाजपा की सोच व नजरियात की बुनियाद 2014 में ही रख दी गई थी। और महाराष्ट्र के नए सीएम बने एकनाथ शिंदे तो फडणवीस बने डिप्टी सीएम। पीर को महाराष्ट्र असेंबली में होगा फ्लोर टेस्ट, रियासती असेंबली के स्पेशल सेशन में स्पीकर का भी होगा इंतखाब।